Hello everyone, welcome to Science Bubble. So today we are going to discuss our question, next question, question number 33. Calculate the number of atom in each of the following, right? So there is a question like in which you have to calculate the number of atom in each case. ठीक है बेटा, देखो आपको तीन केस गिवन है ना, 52 moles of helium, 52 mass, atomic mass, which means unified mass, है ना, unified mass, है ना, unified mass, यानी कि atomic mass unit, basically U is the representation, है ना, notation of a atomic mass, right? तो 52 mass of helium है and 52 gram of helium है, right? तो आपको निकाले number of atom. So basically बेटा क्या कि Avogadro number of atom के according क्या कि one mole किसी भी substance का, हम लोग पहले first part solve कर लेते हैं, let solve first part here. तो one mole of any element है ना, one mole है किसी भी element का, तो उसके अंदर होते हैं बेटा Avogadro number of particles, है ना, Avogadro number of particles बोलो या फिर Avogadro number of आप क्या बोल सकते हो, atoms बोल सकते हो, यानी कि 6.02 × 10⁻²³ atoms, right? तो देखो वन मोल में इतना होता है ना, तो 52 मोल्स ऑफ हीलियम में कितना होगा, है ना, 52 मोल्स ऑफ हीलियम भी तो एक एलिमेंट ही है ना, 52 ऑफ हीलियम एलिमेंट है, तो उसमें कितना होगा, देखो वन मोल में इतना, तो 52 मोल में बेटा कितना होगा, 52 मल्टीप्लाई बाय 6.022 × 10⁻²³, है ना, सिंपल क्वेश्चन. सो इसको सोल्व जब आप करोगे तो बेटा आपको आंसर मिलेगा 3.13 1 × 10⁻²² of atoms. Second part करते हैं इसका solve. Second part में हमें given है 52, है ना, 52 mu यानी कि unified mass है of helium, है ना, 52 आपको क्या given है बेटा, mass given है ना, देखो जो एक है ना, एक atom helium का, one atom of helium, है ना, one atom है helium का, तो उसका mass बेटा कितना होता है, 4 atomic mass यानी कि 4 u होता है, ठीक है, तो एक एटम है हीलियम का, उसमें 4 u मास होता है. अब आप मुझे ये बताओ बेटा, देखो इसका मतलब ये बन चुका, यानी 4 mu ऑफ हीलियम है, यानी 4 एटॉमिक मास है, वो एक एटम के इक्वल होगा, राइट? सो 52 मास होगा हीलियम का, वो बेसिकली आपका इक्वल होने वाला है 1/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 52, which comes out here equal to 13. यानी basically 13 atoms होने वाले हैं, है ना? 13 atom बनेंगे आपके second part में. तो second part का answer क्या बन जाएगा बेटा आपका, 13 atoms, right? So in third question में देखो बेटा क्या है? 52 gram of helium है ना? 52 gram है helium का, ठीक है? अब समझो कि 52 ग्राम, देखो 1 मोल, अगर आप 1 मोल की बात करते हो अगेन बेटा, तो वो बेसिकली किसके इक्वल है, 4 ग्राम, एंड 4 ग्राम बेसिकली आपका इक्वल है 6.02 × 10⁻²³ एटम्स, राइट? बेटा जब 4 ग्राम में इतना नंबर ऑफ एटम है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 6.022 × 10⁻²³ डिवाइड बाय 4, एंड देन 52 ग्राम में कितना होगा, जो भी बेटा इसको सॉल्व किया आपने, 6.022 × 10⁻²³ डिवाइड बाय 4 एंड देन फर्दर मल्टीप्लाई बाय 52, उसको आपने सॉल्व किया, तो आपका इसका आंसर बनेगा 7.8 समथिंग, है ना, 7.8 × 10⁻²⁴ एटम्स, है ना, ये आप सॉल्व कर लेना और इसका ये आंसर बन जाएगा. तो तीन ऑप्शन है आपके पास, तीन के तीन क्वेश्चन ये यहां पे क्लियर है, राइट? सो आपको बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना, ठीक है? नंबर ऑफ एटम के लिए आपको सिर्फ Avogadro जो नंबर ऑफ एटम है वो ट्रिक याद रखनी बेटा, कि जो 1 मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का, है ना, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होता है उसका, अगर मैं 1 मोल की बात करता हूं बेटा, तो वो 1 मोल बेसिकली इक्वल होता है उसी एटम के एटॉमिक मास के इक्वल होता है ना, उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है, और उतने ही वो बेसिकली बेटा ग्राम के इक्वल होता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मोल्स का ये फार्मूला भी बेटा कि गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास को आप डिवाइड कर सकते हो मॉलिक्यूलर मास से, है ना. तो कहीं ना कहीं अगर मैं मोल्स को 1 ले लूं, मोल्स को क्या ले लूं बेटा, 1, तो यानी 1 मोल किसके इक्वल हो सकता है, देखो अगर मोल्स मेरा 1 है तो 1 इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो गिवन मास मेरा मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आ जाता है ना. तो अगर किसी चीज का 1 मोल है, 1 मोल है, तो 1 मोल में बेटा जितना उसका एटॉमिक मास होगा उतना ही उसका क्या होगा, ग्राम में भी आंसर आएगा, है ना,
फॉर एग्जाम्पल अगर उसका क्या है कि 52 एटॉमिक मास यूनिट होगा उसका आंसर है ना, अगर किसी कोई एलिमेंट है जिसका 52 मास है तो उसका अगर मुझे ग्राम में लिखना तो बेसिकली वो 52 ग्राम ही है, ठीक है। जैसे सोडियम है ना, 1 मोल है सोडियम का, 1 मोल ऑफ सोडियम है ना Na, तो उसका क्या बेटा 23 होता है ना, 23 एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो 1 मोल को अगर मुझे ग्राम में चेक करना तो बेटा वो 23 ग्राम भी होगा, राइट। तो ये इसका आंसर है, देखो ऑप्शन आप आंसर देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट 1 मोल के लिए आपको क्या हुआ, 1 मोल आपका इतना इक्वल है तो 52 आपका इतने के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली सेकंड आप देख सकते हो, 1 एटम के अंदर आपके 4 मास होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो 4 में अगर 1 एटम में बेटा तो 52 में कितना होगा, 52 को डिवाइड कर दोगे 4 से तो 13 एटम। थर्ड ऑप्शन आपने किया कि 1 मोल ऑफ हीलियम में 4 ग्राम होता है, तो 52 और 4 ग्राम फर्दर इक्वल है दिस वन, है ना, इतने एटम्स के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये 1 मोल के इक्वल है और 1 मोल इतने नंबर ऑफ एटम एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है, है ना। बेसिकली यहाँ एवोगैड्रो नंबर निकल जाएगा, देन 52 ग्राम में कितना होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 52 से फर्दर, तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा, राइट। थैंक यू, आई होप आई क्लियर यू डाउट।